आनंद, क्या तुम समंदर में उठने वाली और सागर में विलीन होने वाली इन लहरों को देख रहे हो? समुद्र तट पर घूमते हुए बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से यह प्रश्न पूछा और आनंद ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अजर और अमर होना जल के समान है, जन्म और मृत्यु लहरों की भांति होते हैं। आनंद, लहरें लंबी भी होती हैं और छोटी भी, किंतु वह जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना ही संभव नहीं है। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती है और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन यदि वह यह समझ जाएं कि वह ही जल है, तो यह जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे पहुंचकर उन्हें जन्म मरण की चिंता ही नहीं रहेगी और ना ही भय रहेगा और ना ही दुख रहेगा। आनंद को बुद्ध के पास ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। आनंद ने बड़े ही प्रेम पूर्वक बुद्ध से हाथ जोड़कर पूछा, हे तथागत, सुनने में तो समझ में आता है कि जीवन और मरण इन लहरों की बात ही होता है, लेकिन इस भाव को आत्मसात कैसे किया जाए, इसको परिपूर्णता से कैसे समझा जाए, कैसे इसको हमारा मन स्वीकार करे ताकि हमारे जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएं। आपके समझाने से मेरा तर्क तो शांत हो गया है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। आखिरकार इस मन को शांत कैसे किया जाए, इसको कैसे समझाया जाए? बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हमारा मन 18 अंशों से मिलकर बना होता है। इन 18 अंशों के बिना हमारे मन में कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। जब तुम इन 18 अंशों को भली भांति समझ लेते हो, तुम अपने मन के गुलाम नहीं रह जाते, तुम उसके मालिक बन जाते हो, जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में रहती है। फिर तुम इसके पीछे नहीं भागते, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार कार्य करता है। इन 18 अंशों में सबसे पहले 6 इंद्रियां होती है। इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं और 6 इंद्रियों के द्वारा जन्म लेने वाली चेतना होती है। 6 इंद्रियां हैं, दृष्टि, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद, काया चेतना और मनस्थिति चेतना। और इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्त के विषय। और 6 चेतना जो इंद्रियों के कार्य में जन्म लेती है, वह इस प्रकार है, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और समझना। इन 18 अंशों के बिना कोई मन नहीं होता है। ये 18 अंश जन्म, मृत्यु और परिवर्तनशीलता से भरे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन नाना प्रकार की भावनाओं का एक संग्रह है, जिसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील होती है। तुम ये तो समझ गए हो कि हमारा मन इन 18 अंशों से मिलकर बना होता है, लेकिन यह बात भी समझनी होती है कि इन अंशों को जो भी स्वाद, गंध या जिस भी वस्तु में ज़्यादा मज़ा आता है, वही हमारे मन में बंध जाता है और हमारा मन उसका गुलाम हो जाता है। तुम यूँ समझो कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है और अचानक तुम्हारे सामने ठंडी हवा आने लगे, तुम समंदर के सामने टहल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा की बौछार पड़ने लगी, तो इससे हवा तुम्हारी काया को स्पर्श करेगी, जो तुम्हें आनंद देगी, और उस आनंद को पाने के लिए तुम्हारा मन हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए तुम्हारा मन इस प्रकार से गुलाम होता चला जाता है, जहाँ पर इसको मज़ा आता है, वहीं पर ये उस व्यक्ति को उस वस्तु का, उस चीज़ का गुलाम हो जाता है। आनंद ने कहा, हे तथागत, हम यह तो समझ गए कि हमारा मन सत्ता रहित होता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती। बिना इंद्रियों के विषय के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। वास्तव में कोई मन होता भी है या फिर ये हमारी भ्रांति मात्र होती है? बुद्ध ने शांत भाव से उस मेज की तरफ देखा जिस पर पानी से भरी एक प्याली रखी थी। बुद्ध ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, वह प्याली भरी है या खाली? आनंद ने कहा, गुरुवर, ये प्याली भरी हुई है, इसमें पानी भरा है। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस प्याली को बाहर ले जाकर खाली कर आओ। आनंद ने वैसा ही किया।
फिर बुद्ध ने मेज पर रखी प्याली पलट दी और फिर पूछा कि यह भरी है या खाली। आनंद ने कहा, गुरुवर अब यह खाली है। तब बुद्ध ने कहा कि आनंद, यह प्याली जल से नहीं भरी है लेकिन वायु से भरी हुई है, यह तुम भूल गए हो। खाली होने का अर्थ किसी चीज से खाली होना और भरे होने का अर्थ किसी चीज से भरे होना है। इस समय यह प्याली पानी से खाली है लेकिन वायु से भरी हुई है। आनंद पानी का भरा होना और खाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्याली तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर विद्यमान है। प्याली के बिना उसका खाली या भरा होना हो ही नहीं सकता। आनंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुवर तब तो हमारे मन में विचार चलते ही रहते हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि मन वास्तविकता में होता है, इसकी अपनी सत्ता होती है। बुद्ध ने कहा, आनंद सप्त जाल में मत उलझो। मन का अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा से समझा नहीं जा सकता। उसका अस्तित्व वैसा ही है जैसे शून्यता का अस्तित्व होता है। आनंद, अभी हमने खाली और भरी प्याली की चर्चा की। यद्यपि हमने समझ लिया कि मेज पर रखी प्याली जैसे खाली है, यदि हम गहराई से देखें तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। आनंद, जिन तत्वों से प्याली का निर्माण हुआ है, क्या उनमें आप जल तत्व की विद्वत्ता को नहीं देखते? आनंद ने कहा, हे प्रभु, प्याली बनाने के लिए कुम्हार ने मिट्टी ली थी, उसमें जल तो था ही। यदि हम गहराई में देखें तो प्याली में जल तत्व विद्यमान है। हालांकि हमने पहले कहा था कि प्याली जैसे खाली, प्याली की विद्वत्ता जल पर निर्भर है। बुद्ध ने पूछा, आनंद क्या तुम इस प्याली में अग्नि तत्वों को देख पा रहे हो? तब आनंद ने कहा, जी हाँ प्रभु, प्याली को पकाने के लिए अग्नि तत्व जरूरी है, बिना गर्मी या अग्नि तत्व के ये प्याली पक नहीं सकती। बुद्ध ने पूछा, इसके अलावा तुम और क्या देख रहे हो? आनंद ने कहा कि मैं वायु तत्व को भी देख रहा हूँ। यदि वायु नहीं होती तो न तो अग्नि जलती और न ही कुम्हार जीवित रह सकता, और इसमें कुम्हार के कुशल हाथों की कारीगरी भी तो है, उसकी चेतना भी तो है। इसमें भट्टी, वो पेड़ जिसमें भट्टी जलाने के लिए लकड़ी आती है, वर्षा, धूप और वो पृथ्वी जिनसे ये पेड़ उगते हैं, मैं उन सबको देख पा रहा हूँ प्रभु, जिन्होंने प्याली का अस्तित्व बनाने में सहयोग दिया है। बुद्ध ने कहा कि बहुत सुंदर आनंद, प्याली पर ध्यान देने से उन सभी तत्वों को देखा जा सकता है जो उसके भीतर और बाहर मौजूद होते हैं। तुम्हारी स्वयं की अपनी चेतना भी उसमें से एक तत्व है। यदि तुम गर्मी सूर्य को लौटा दो, मिट्टी पृथ्वी को दे दो, जल नदी को दे दो और कुम्हार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्षों को लौटा दो, तो क्या इस पानी का अस्तित्व संभव है? आनंद, ध्यान करने पर हम पाएंगे कि प्याली स्वतंत्र रूप से सत्ता में नहीं आ सकती। यही बात हमारे मन पर लागू होती है। हमारे मन का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व तभी बनता है जब हमारी इंद्रियां कार्य करती है। आंखों से देखा हुआ सुंदर रूप जब हमारे मन में उतर जाता है, मन को लुभा जाता है, ठीक उसी प्रकार अच्छा स्वाद, अच्छा शब्द, अच्छे गीत हमारे मन में सभी इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं और वो हमारे मन में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन आनंद, अगर कोई आदमी अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रहता है, होश में रहता है, पूरे ध्यान में रहता है, तो वह अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने मन में प्रवेश हो जाता है, उन विषयों को देख पाता है जिनसे उनका मन गुलाम होता चला जाता है। जो इंसान अपने होश में नहीं रहता, वह अपने मन में नाना प्रकार की बेड़ियां बनाता रहता है और उसे कभी समझ नहीं पाता कि उसका मन इतना दुखी क्यों है, उसका मन गुलाम क्यों है। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका विश्लेषण हमारी शक्ति के द्वारा होता है, लेकिन हमारी चेतना सोई हुई है तो हमारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, हमारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रह जाती। अगर हमारी चेतना सजग है, हमारी बुद्धि जागृत है, तो हम ये देख पाते हैं और महसूस भी कर पाते हैं कि जीवन का कोई भी अनुभव शाश्वत नहीं रहता। यह केवल तब तक आनंद देता है
जब तक उस विषय का अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण के लिए, जब तुम मीठा सेब खाते हो तो वो तुम्हें तब तक ही आनंद पहुंचा सकता है जब तक तुम उसको खा सकते हो। उसका अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद हमारे मन के पास पकड़ने जैसा कुछ नहीं रह जाता, उसका साना मजा खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर पैदा होती है कि उसकी इंद्रियां उसके मन को इस स्वाद में बांधने की कोशिश करती है। वह बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह सेब कितना मीठा था, और इसलिए उसका मन सेब को पाने के लिए बार बार ललायित रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह भी है कि अगर उसकी बुद्धि सजग होती तो वो समझ पाएगा कि सेब का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता, उसे मिटना ही होगा, और इसलिए हमारे मन को भी मिटना ही होगा। उसे शून्यता में ही जाना होगा, क्योंकि अगर हमारा मन अपनी इंद्रियों के विषय में यदि एक बार बन गया तो वह हमेशा उन इंद्रियों के विषय का गुलाम बना रहेगा। लेकिन जब एक बार मन इन इंद्रियों के विषय से आज़ाद हो जाता है तो मन की कोई सत्ता नहीं रह जाती। उसके बाद अपनी इंद्रियां सिर्फ अपना कार्य करेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि इंद्रियों के ऊपर मालिक बनकर बैठी हुई है जो हमसे अपना कार्य करवा रही है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि एक बार हमारा मन मिट जाता है, तुम्हारी इंद्रियां सत्ता की अनुभूति करती है। वह किसी विषय से प्रभावित होकर उसे ज्ञान दृष्टि से नहीं देखती, बल्कि उसे उसी दृष्टि से देखती है, इसी प्रकार महसूस करती है जिस प्रकार उसका अपना स्वरूप होता है, अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम एक बार कोई मीठा सेब खाते हो तो एक बार जब तुम्हारी जीभ उसका मीठा स्वाद चख लेती है तो उसके बाद जब तुम दूसरे सेब को देखते हो तो तुम उसी मीठे सेब के बारे में याद करते हो। लेकिन जरूरी नहीं होता कि दूसरा सेब भी उतना ही मीठा हो, इसलिए हमारी दृष्टि उस स्वाद की वजह से भ्रांत हो जाती है, वो भटक जाती है और वो उस सेब को अपने असली स्वरूप में नहीं देख पाती। काम वासना में लिप्त व्यक्ति अपनी सुख भोग के लिए एक बार जो आनंद लेता है वह बार बार उसी आनंद को लेने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार अलग अलग इंसान के साथ वह उस सुख को हासिल नहीं कर पाता, और इसलिए वह काम वासना के चक्कर में फंसता चला जाता है, क्योंकि उसकी इंद्रियों ने जो एक बार सुख भोग लिया है उसके मन में वह सुख स्थापित हो गया है, और फिर उसका मन उस सुख को दोबारा पाने के लिए दर दर भटकने की कोशिश करता रहता है। बुद्ध ने आनंद को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने कभी भिक्षु का जीवन देखा है? उसका जीवन कितना साधारण होता है। वह साधारण खाना खाता है, साधारण बिस्तर पर सोता है, और कभी कभी तो जमीन पर भी सो जाता है। न कभी वो राम सुनता है, ना ही कोई स्वाद लेता है, और ना ही कोई स्वाद लेने की कोशिश करता है। विषय वस्तु से हमेशा बचा रहता है, और इसलिए उसका ध्यान में जा पाना बड़ा आसान हो जाता है। वो ध्यान की उन गहराइयों को महसूस कर पाता है और वह उस परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर पाता है जो कोई भी विषय वस्तु नहीं पहुंचा सकती। कोई भी विषय वस्तु एक सीमित समय के लिए तुम्हें आनंद दे सकती है, लेकिन परम आनंद वह होता है जो किसी भी विषय वस्तु से जुड़ा नहीं होता है। यह शाश्वत होता है कि सत्य होता है, लेकिन वह परम आनंद तभी शाश्वत रह पाता है जब हमारा मन मिट जाता है। तुमने बहुत से लोगों से सुना होगा कि हमारा इस काम में मन नहीं लगता, या फिर हमारा इस काम में बहुत मन लगता है। वास्तविकता में जब मन मिट जाता है तो उसे हर काम में वही आनंद आता है जो उसे अपना रुचिपूर्ण कार्य करने में आता है, वही आनंद वो हर कार्य को करने में महसूस कर पाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब वो अपने मन को मिटा देता है, जब वो परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, और मन तभी मिट सकता है या परम आनंद तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अपनी इंद्रियों के विषय के प्रति पूरी तरह से सजग रहे, पूरे होश में रहे। इसके बाद बुद्ध ने सभी को वो ध्यान करने को कहा जिसके द्वारा वो अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रह सके। बुद्ध ने बताया कि आज तुम जब ध्यान करो तो तुम अपनी इंद्रियों के प्रति पूरे सजग रहना। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं, वह बच्चा कैसा महसूस करती है, और सभी इंद्रियों के प्रति जब इस प्रकार तुम सजग रहोगे
तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मन में विषय किस प्रकार प्रवेश करता है। इसके बाद बुद्ध, आनंद और उनके सभी शिष्य सारे के सारे ध्यान में उतर गए। धन्यवाद।